अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे Realme डिवाइसेस में कई सारे हमको फीचर्स मिलते हैं। ऐसे में एक फीचर यहाँ पे आता है जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का होता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है अभी फिलहाल लिए जो अपडेट मिला हुआ है उसमें जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है वो फिक्स्ड फीचर है, मतलब उसमें आप कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में जो जिन डिवाइस को यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिला हुआ है तो क्या उन डिवाइस के यूजर्स को यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन है वो देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कई सारी डिवाइसेस में नहीं मिला है देखने को। ऐसे में कई सारे यूजर्स के मन में डाउट होता है, तो इसके लिए भी मैंने आपको इससे पहले भी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवाई है। बट यहाँ पे मैं जो इस समय लेटेस्ट न्यूज़ है, मतलब जुलाई तक की जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि रियलमी टीम क्या कहती है इसके लिए कि कस्टमाइजेशन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है, जो जो डिवाइस जो एलिजिबल होंगी उन डिवाइस को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो इसके लिए मैंने जो है रियलमी टीम से बात की है, ठीक है। और रियलमी टीम से जब मैंने बात की तो उन्होंने अपना यहाँ पे आंसर प्रोवाइड करवाया हुआ है। और हो सकता है कि आप कोई भी डिवाइस यूज करते हैं जिसमें ऑलवेज ऑन का फीचर है, ठीक है, AOD का फीचर है, और आप वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे पता नहीं अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो फ्रेंड्स ये वीडियो के थ्रू आपका बिल्कुल डाउट जो है क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। एंड साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है वो काफ़ी हमारे डिवाइस को एक इफेक्टिव जो है यहाँ पे प्रायोरिटी देता है, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर्स में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा यहाँ पे लुक मिल जाता है देखने को डिवाइस के लिए। बट यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन अगर आप खुद से कर पाए इसकी तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बट फिलहाल से अभी फिलहाल के लिए कोई भी ऐसा फीचर इंक्लूडेड नहीं है, तो ऐसे में जितने भी यूजर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि पता नहीं भाई ये फीचर मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को हम कस्टमाइज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो देखिए टाइम टू टाइम वैसे भी मैं आपको अपडेट के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अभी तक के लिए, मतलब देखिए मैं टाइम टू टाइम तो आपको अपडेट देता ही हूँ, ठीक है, अभी की सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ कि जो न्यूज़ आई है रियलमी की तरफ से, जो मैंने बात की रियलमी की, जो उन्होंने अभी तक के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई हुई है वही मैं इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या मेरी उनसे बात हुई। तो फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे उनसे पूछा कि AOD कस्टमाइजेशन का जो अपडेट है आएगा या फिर नहीं आएगा, जैसे कि मेरे पास Realme 7 Pro है या फिर ऑल सपोर्टेड डिवाइस जिस जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सपोर्ट करता है उन सभी को कस्टमाइजेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने जो है कहा ठीक है हम आपकी हेल्प करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे और इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्होंने इनके यहाँ से रिप्लाई आता है, सबसे पहले आप देख सकते हैं सर वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू that we are working on the same and we surely add this feature in upcoming update as soon as possible, ठीक है। मतलब कि इन्होंने इस चीज़ को तो क्लियरिफाई किया है कि अपकमिंग जो अपडेट आएंगे उसमें यहाँ पे जो AOD कस्टमाइजेशन है जो जो डिवाइस एलिजिबल होंगे, ठीक है, उन डिवाइस को ये फीचर्स मिलेगा, ये बिल्कुल सियोरिटी के साथ कहा है, क्योंकि इन्होंने एक लाइन कहा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सियोरिटी के साथ बिल्कुल यहाँ पे इसको बताया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये तो क्लियर है कि भाई मिलेगा जरूर, ठीक है, इस चीज़ को क्लियर नहीं किया हाँ भाई कौन सी डेट में मिलेगा, डेट की कोई भी इन्होंने टाइमलाइन मेंशन नहीं की है, ठीक है। तो फिर इसके बाद जब मैंने इनसे वापस से पूछा सो प्लीज सर टेल मी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्या चीज़ें, तो इन्होंने कहा कि सर कस्टमर विल श्योरली गेट द फीचर्स एज सून एज पॉसिबल। तो इन्होंने इस चीज़ को क्लियर कहा है कि भाई ये जो फीचर है कस्टमर्स को एज सून एज पॉसिबल जो है यहाँ पे दिया जाएगा, मतलब कि जो डेवलपर टीम है वो वर्क कर रही है यहाँ पे AOD वाले फंक्शन पे, ठीक है। अब AOD का फंक्शन अगर जैसे ही प्रिपेयर होता है, अगर एलिजिबल होते हैं तो जो जो डिवाइस एलिजिबल होंगी, ठीक है, पर्टिकुलर कोई भी डिवाइस नहीं है, बट जो जो डिवाइस जिनमें AOD का फीचर अवेलेबल है उन सभी डिवाइस को आने वाले समय के अंदर जो है अपडेट मिलेगा, ठीक है। तो फिर मैंने इनसे एक बार और क्लियर किया, मैंने कहा भाई कंफर्म बताओ कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। इन्होंने कहा ये कमिट तो नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी आप सोशल जो इनकी कम्युनिटी है उसके साथ आप बने रहिए, ठीक है, बट ये जरूर से जो है ट्राई करेंगे, मतलब ऐड करने की इस फीचर को, इस चीज का इन्होंने क्लियरिफाई किया हुआ है। तो मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने मना नहीं किया कि भाई हम नहीं देंगे, हाँ देंगे जरूर, बट हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, हो सकता है कि इस साल के एंड तक आ जाए ये, क्योंकि कंफर्म डेट तो उन्होंने क्लियर नहीं किया, ना ही ये बताया कि इस साल के अंत तक आ सकता है, बट फिर भी मैं मतलब जो भी
यहाँ पे एक्सपीरियंस बेस्ड बता रहा हूँ, हो सकता है कि लास्ट ईयर तक देखने लगे या हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है। तो मतलब इसका कभी भी कोई भी श्योरिटी नहीं है कि कब आएगा, बट ये चीज़ है कि भाई मिलेगा ज़रूर, ठीक है। अब भाई कस्टमर जितने भी यूजर्स हैं उनको थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा भाई, किसी भी चीज़ के लिए पेशेंस तो रखने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखिएगा अगर आपका डिवाइस एलिजिबल होगा। जैसे ही रिलीज होता है ये वाला फीचर तो आपको भी बहुत जल्दी ये अपडेट देखने को मिल सकता है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।